नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन TNN रेडियो से प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। आइए जानते हैं सबसे पहले सुर्खियां। पेंगोंग झील के पास चीन ने बढ़ाई तैनाती, कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश कार्यक्रम की शुरुआत, अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में कोरोना काबू में। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। गलवान घाटी के बाद चीनी सेना ने पेंगोंग झील के इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। हाल ही में आई सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच चीनी सेना ने अपने मौजूदगी बढ़ा दी है। भारत की ओर से चीनी सेना के फिंगर 4 से फिंगर 8 को खाली करके पीछे जाने की बार बार बात कही जा रही है, लेकिन चीनी सेना अपनी तैनाती बढ़ाती जा रही है। चिंता की बात यह है कि पेंगोंग लेक के पास मौजूदगी के साथ साथ कुछ दूर पीछे चीन बैकअप भी तैयार कर रहा है। उधर कोरोना के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर भी सरकार का फैसला आ गया है। सरकार के फैसले के मुताबिक 15 जुलाई तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट पर रोक लगी रहेगी। हालांकि ये प्रतिबंध कार्गो ऑपरेशन यानी कि माल ढुलाई और DGCA यानी कि नागर विमान महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान रेल और विमान सहित सभी प्रकार के परिवहन पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि 31 मई के बाद सरकार ने लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील देना शुरू किया है, जिसके तहत घरेलू उड़ानों को अनुमति दे दी गई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। मोदी ने अभियान की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की। उन्होंने प्रदेश के 6 जिलों में ग्रामीणों से संवाद किया। राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण साझा सेवा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस अभियान के उद्घाटन के साक्षी बने। PM ने कहा कि जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, पूरी मानव जाति संकट झेल रही है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि कोरोना से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन गमछा मास्क ही इसकी दवा है। मुढ़क कर रखना ही बचाव है। कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। CM योगी और उनकी टीम की तारीफ करते हुए PM ने कहा कि योगी सरकार ने आपदा को अवसर में बदल दिया है। दूसरे राज्यों को इससे सीखने को मिलेगा, हर कोई इससे प्रेरणा पाएगा। मोदी ने कहा कि योगी की टीम ने उत्तम और सराहनीय काम किया है। यूपी सरकार ने हालातों को जिस तरह संभाला, उनके प्रयास को हर बच्चा, हर परिवार और आने वाली हर पीढ़ी याद रखेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि राजधानी में कोरोना वायरस को लेकर हालात अब काबू में हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में आने वाले वक्त के लिए तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे TNN रेडियो में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी दोस्त और होस्ट कंचन को। नमस्कार।